हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीवीआर स्टडी। चलिए आज हम आपके लिए फिर से नए क्वेश्चन की खोज किए हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये वीडियो आपका छूट जाए और दो नंबर आपके एग्जाम में चले जाएँ। तो आप सभी को पता है कि आपका NTPC ग्रुप डी एग्ज़ाम आ रहा है, बहुत ही नज़दीक एग्ज़ाम है। तो चलिए हम इस वीडियो की तरफ देखते हैं और इस वीडियो को अंत तक प्लीज़ देखिएगा। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत ही अभिक्रियाशील होती है उसे कहाँ रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि सोडियम और पोटेशियम एक एलिमेंट्स है, तत्व है। सोडियम का फार्मूला या सूत्र होता है Na, पोटेशियम का होता है K और सोडियम का अनुक्रमांक होता है 11 और पोटेशियम का होता है 19। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम जो धातु मेटल्स होते हैं उसे हम मिट्टी के तेल में रखते हैं। कहाँ पे? मिट्टी के तेल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा, धमनिया का मुख्य कार्य क्या है। तो धमनिया का मुख्य कार्य क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। इसका मुख्य कार्य है ऑक्सीजनेट रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब पहले जान लेते हैं कि हमारा धमनी क्या होता है। फ्रेंड्स, धमनी एक हृदय का पार्ट है। हृदय का पार्ट ना कहकर हम ये कह सकते हैं हमारा एक बॉडी पार्ट है। ठीक है, जो हृदय तक रक्त पहुंचाने का कार्य करता है। वो क्या करता है कि ऑक्सीजन को ऑक्सीजनेट करके ब्लड को हृदय के पूरे शरीर तक, पूरे शरीर कहें तो चारों कक्षों तक, हृदय के जो चार कक्ष होते हैं, एक डायालिन, एक डायानील है, दूसरा बायालिन और बायानील है। तो इस तरीके से हमारे हृदय में चार कक्ष होते हैं, तो पूरे कक्षों में ब्लड पहुंचाने का कार्य धमनी करता है। ओके, चलिए हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है थल समीर, थल समीर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह जो पूरा पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक बल्ब में पतला तार होता है जो जलता है और उसमें धारा प्रवाहित होती है, तो उसे आप क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी ने बल्ब देखा होगा, सभी के घर पे बल्ब लगा होता है। ठीक है, तो जो बल्ब में आपने गौर किया होगा कि जो हमारा बल्ब होता है उसमें एक पतले से तार लगी होती है। ठीक है, तो वो उसके ही द्वारा बल्ब में करंट प्रभावित होता है, धारा प्रभावित होता है, तो उसे हम फिलामेंट कहते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलिए आइए देखते हैं। वह लघुत्तम समय अंतराल जिसे समान रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जाता है, तो उसका आंसर है 1 सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 6 से 8 साल की उम्र के बीच बच्चों को जो दांत गिरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। आप सभी को पता होगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं और 6 साल से 8 साल तक के बीच में एक उनका दांत जरूर गिरता है, तो उन्हें हम दूध के दांत के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, देखिए पेरिस्कोप में दर्पण की बात कर रहे हैं। दर्पण क्या होता है, दर्पण हमारा जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, अगर हम दर्पण की बात करें तो हमारी डेफिनेशन ये कह सकती है कि एक तरफ चिकना, मतलब एक तरफ समतल, ठीक है, मतलब परवर्तक, और दूसरी तरफ लेप लगा होता है जिसे आप दर्पण कहते हैं। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि जिसकी एक ओर परवर्तक तल हो, जिसके आर पार आप देख सको, और दूसरी ओर किसी का लेप लगा हो, या फिर ये कह सकते हैं कलाई की गई हो, तो उसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोली दर्पण। तो जो हमारा समतल दर्पण होता है फ्रेंड्स,
वही हमारा पेरिस्कोप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर आपको दर्पण के बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप एक वीडियो बनी होगी, ठीक है, तो उस दर्पण के बारे में आप पूरा देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं? देखिए उसे तो सेलुलोज कहते हैं, ठीक है, इसका आंसर होगा सेलुलोज। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि घास में एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता, तो वो सेलुलोज होता है। और सेलुलोज क्या होता है ये आपको कोशिका में पता होगा कि जो हमारी कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और इसी वजह से मनुष्य द्वारा ये पचाया नहीं जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है अधिकतम न्यूनतम तापमापी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूरज की ऊष्मा हम तक इस प्रक्रिया द्वारा कैसे पहुंचती है? ठीक है, तो जो सूरज की ऊष्मा होती है, ठीक है, वो हमारे द्वारा मतलब हम तक विकिरण के द्वारा पहुंचती है। किसके द्वारा? विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गाइस कि पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए जिंक का कोडिंग किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसको आप बोलेंगे संरक्षण और जंग लगने से बचाता है, मतलब कि वो क्या करता है जो इसे संरक्षण और जंग लगने से बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टार्च में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड्स अभी आपको मैंने एक दर्पण के बारे में बताया था कि जो हमारा दर्पण होता है उसके टू टाइप्स होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। तो जो हमारा गोली दर्पण होता है उसके भी टू टाइप्स होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। तो जो अवतल दर्पण होता है वो टार्च में प्रयोग किया जाता है, तो टार्च में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है चलिए देख लेते हैं। जब मृदा में बालू के बड़े कण को ज्यादा अनुपात में मिला दिया जाए तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम बलुई मिट्टी के नाम से जानते हैं। जब मिट्टी में बालू के कण ज्यादातर मिल जाते हैं तो उन्हें बलुई मिट्टी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है WWTP का फुल फॉर्म क्या है? तो WWTP का फुल फॉर्म होगा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध को किससे मापा जाता है? इसका आंसर आप अपने मन में जल्दी से याद कर लीजिए, सोच लीजिए, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही होता है। जितने लोगों का आंसर सही होता होगा प्लीज मुझे अपना जवाब जरूर दे, ठीक है, कि इतने लोगों का नंबर सही है। तो विद्युत प्रतिरोध को किस लिए नापा जाता है फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा ओम। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, इसका आंसर है ओम। ओके, यह हम कह सकते हैं कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक या यूनिट क्या है, तो इसका आंसर है ओम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है फ्रेंड्स, विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके बनाई गई दवा जिसमें अलग अलग रोगों के उपचार किया जाता है उसे आप क्या कहते हैं? तो उसका आंसर होगा एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके दवा जिससे अलग अलग रोगों से उपचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूजल का पुनर्भरण किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स अंतस्यंदन। ओके, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइकेन इनके बीच का सहजीवी संबंध रखता है, मतलब लाइकेन जो होता है वो किन किन के बीच का संबंध रखता है? तो कवक, कवक और शैवाल, कवक के कुछ गुण और शैवाल के गुण, इन दोनों के करैक्टर्स कुछ लाइकेन में होते हैं और इसीलिए लाइकेन शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध रखता है।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किस प्रक्रिया द्वारा लोहे की रॉड के गर्म सिरे से ठंडे सिरे पर ऊष्मा का संचरण होता है? तो चालन द्वारा। ओके चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, ऐसे जैविक घटक को क्या कहते हैं? तो बायोविडिसाइड्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, लकड़ी कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन से उत्पन्न आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले समान अग्निनाशक कौन है? तो ये तो आपको सभी को पता है कि जल अग्निनाशक। चलिए फ्रेंड्स लास्ट एंड आखिरी क्वेश्चन बात करते हैं, इससे पहले कुछ ब्रेक ले लेते हैं। चलिए आपको मैं एक्चुअली बता दूं कि इस वीडियो को आप सभी लोग देख रहे होंगे, अंत तक देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें केवल पेपर निकालना है, तो उन बच्चों के लिए शायद ये वीडियो अच्छी भी होगी और ना भी अच्छी होगी, क्योंकि कुछ बच्चे वीडियो देखने के बाद ये रियलाइज करते हैं कि पता नहीं आ सकता है या नहीं। लेकिन मेरा कहना ये है कि वीडियो को आप हमेशा पूरा अंत तक देखें और उसके साथ साथ ये मत जाइए कि एग्जाम में आएंगे या नहीं, क्वेश्चन कभी भी खराब नहीं जाता हमारा, अगर आते हैं तो सही, नहीं आते तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वही क्वेश्चन बाद दोबारा आता है और क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं कि किसी ना किसी बैच में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही गौर से समझिएगा और बहुत ही गौर से अच्छे से माइंडेड करिएगा और कोशिश ये करिएगा कि हर क्वेश्चन की हिस्ट्री जानने की कोशिश करिएगा। जैसा कि मैं आपको एक बार बता दूं कि जैसे हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं, विप्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जाता है इससे संबंधित संशोधित किया जाता है, ठीक है। तो आप जानिए पहले कि प्रतिबिंब क्या होता है, क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी क्वेश्चन का डीपली तक जाएंगे तो आप क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन का भी भूल नहीं सकते। अक्सर ऐसा होता है कि हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमारे मन में सारे क्वेश्चन होते हैं लेकिन हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन के बारे में हम पूरी जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि अगर प्रतिबिंब के बारे में पूरी जानकारी होगी हमें, तो हम कभी भी इसका आंसर नहीं भूल सकते। इसलिए हर एक क्वेश्चन को एक डीपली समझिएगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल में पढ़ाती हूँ, ठीक है, मतलब आपको वीडियो बनाकर देती हूँ, तो मैं हर एक क्वेश्चन पे पूरी कोशिश करूंगी कि आपको हर एक वीडियो दूँ हर एक टॉपिक पे, ठीक है। तो मैंने बहुत से ऐसे क्वेश्चन बनाए जो आपको फुल टॉपिक दिया, तो आपको जो टॉपिक लग रहा है कि हमें इस चीज को पढ़ना चाहिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो उस पर आप कमेंट में जरूर लिख दें कि आपको ये टॉपिक चाहिए, ताकि मैं आपके लिए आपके तरीके से बना सकूं। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, लास्ट है, देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है इन्हें उन्हें इनसे संशोधित किया जाता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब से। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट बताऊंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स थैंक्स।